अगर आपने भी ऐसी कोई एड एडवर्टाइजमेंट या ऐसी कोई चीज देखी होगी ऑनलाइन या टीवी पे कि आप जो वेस्टर्न लैटरिन में बैठते हैं और उसमें आपके पैर जो है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आते, पैर पैर पैरेलल होते हैं, ऊपर नहीं आते या उसके, तो आपका जो लैटरिन का रास्ता है उसमें किंक आ जाता है। और वो लोग अजीब सा एक डायग्राम दिखाते हैं आपको कि जब आप नीचे नॉर्मली बैठते हो तो वो ऐसे करके किंक आ जाता है, और जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो तो वो पूरा सीधा रहता है तो आराम से निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वाइट फ्रैंकली बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न में बैठोगे कि ऐसे बैठोगे तो मोशन आएगा या नहीं आएगा। क्वाइट फ्रैंकली आप सीधा भी लेटोगे तो भी मोशन आता है। इसीलिए जो लोग हमारे पेशेंट बेड पे लेटे होते हैं उनको मोशन आता है, बेड पे लैटरिन करवाते हैं उनको, या डाइपर पे लैटरिन करवाते हैं। अगर ऐसा होता तो छोटे बच्चे का तो कभी मोशन ही नहीं होना चाहिए था लेटने पे। वो तो सीधा लेटे लेटे 2 साल 3 साल सीधा लेटे लेटे या खड़े खड़े मोशन कर, उनको बैठना नहीं आता, उनको तो कुछ समझता नहीं। तो पॉइंट इज बिल्कुल भी नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो एक किसी ने लॉजिक दे दिया, किसी को पसंद आ गया, किसी ने उसको फैला दिया, तो वो इलॉजिकल रीजनिंग है जिसके वजह से लोग कॉन्स्टिपेशन या मोशन प्रॉब्लम्स को ये, और इवन स्टूल्स को एक छोटे पार्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। क्वाइट फ्रैंकली इसका कोई इसमें प्रूफ या कोई लॉजिकल साइंस नहीं है इसमें, और एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने से आपको हर्निया हो सकता है। नो पॉइंट, नथिंग, राइट? ये बात याद रखिएगा। और हाँ, ये बात और है कि इंडियन टॉयलेट्स में नीचे तक बैठना एक अच्छे स्क्वाटिंग पोजीशन है। वो स्क्वाटिंग पोजीशन आपको प्रैक्टिस वैसे भी करनी चाहिए, गुड फॉर योर नीज, गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर बैलेंस। लेकिन ये नहीं है कि वो बैठोगे तो मोशन सही आएगा, राइट? इट्स नॉट जस्ट, इट्स नॉट समथिंग प्रूवन क्वाइट फ्रैंकली। ओके, नेक्स्ट।